बोतल के काल उठा थी सी कचरा ने काम आवला कहे बोतल तो काम कर चीज का सब्जी में पटाए कर काम में आवेला बोतल से कैसे बारी पटा वाला बाबू जाने घर में हमार माय बाबा मने थुनुकरेस पूछ लेबे हम स्कूल जाथी जा तब स्कूल बाबू तो है तोर माये बाप से पूछ ले भाई ठीक हो अच्छा ठीक हो जोहार एत बेरा कहाँ जा था हम बाजार जाती हो से ये सब्जी मने घटल है का बात हो बोल ने तो बात तो ऐसे कुछो ने खाओ बाबू के जुन रास्ता में भेटाए रही है बाबू रास्ता ने बोतल पाए रहो से के उठात रहो तो हम कहे बाबू काल उठा था कचड़ा लागन से ये का कर बात कहती ला कि हमार माय बारी ने पानी पटवन करैला बाबू कहत रहती कि तीन दिन तक बोतल ने पानी रहैला पौधा में पटैला ठीक है तोरे जगह आवत रही अंतर भेटाई गई ठीक है रास्ता है बोल ले तो का बात हो तो ये तो जाना था हम दीदी इस बार पानी नहीं आवत है तो का करिए बारी में लरंग वाला सेम्बी लगा ही है सब मोरे के लखे हो जा है इसे कोनो उपाय नहीं लागत एखन तो बाजार का टाइम होला है तो का करबे चल तब देख लियो ला तोर बारी चला तब चल तब हाँ तो इसने लगा ही है अच्छा तो इकर में तो मचान भी बनाए पड़ता हो और इकर में नमी रखे ले तो ये कुछ बोतल के जोगाड़ करे पड़ता हो और बांस भी लागता हो सही में दीदी सब सामान जोगाड़ कर देबो ने ले पौधा सही रहता ने हाँ ये बिल्कुल ठीक रहता हो एखन तो हम बाजार जाती हो हम जे जे सामान कहा थी उसे के जोगाड़ कर रहे का सामान जोगाड़ करबे दीदी का सामान रहता हो ये बोतल रहता हो और ये सूता रहता हो बांस रहता हो साबर और एक रस्सी जोगाड़ कर बे ने हाँ तो ठीक दीदी सामान जोगाड़ करके रखबो तब तो कतई बेरा आबे हाँ तो कल आ जाबो ने खाए पी के 10 बजे घरे रहबे कि बारी दने जाबे बारिये दने आबा सब सामान के जोगाड़ कर देबो बारिये दने अच्छा तब ठीक हो एखन तो हम बाजार जाती हो कल 10 बजे तले आबो लाए तब जोहार तो जोहार तब जवा हम बारिये ने रहबो जोहार बारी ने घास निकाल आएगी है बारी ने का काम रहता ओ घास निकाल आ गई हाँ बारी ने घास निकाल आएगी है ओ कह ले कह रही है सामान मने जोगाड़ कर ले तो जोगाड़ कर ली हाँ जोगाड़ कह रही है तो बैठा अच्छा लाना थी अच्छा ठीक Thank you.
दीदी सब सामान लाइन दहियो हन कि ने खन देख लेवा। अच्छा ठीक तब देख लेवा थियो बतिया। हाँ सब सामान तो हो, सब सामान तो देख ले लक त आप का करबक से के बतावा। अच्छा ठीक तब बता थियो। अच्छा ठीक हो, पहले ये बोतल के ये लेबै और ये बोतल के ये पेंदरी के पहले काट लेबै। ए देखी पेंदरी तो कटाए गेल का, तो का कर भगा इके का करब। पेंदरी कटाए गेल आब इका ढक्कन के खोलब और सुई से सुई के नोक बराबर इके छेदा करब ढक्कन के। अच्छा ठीक है तब। छेदा कर दिलिए, ए देखिए बांधे ले आब ई जगह छेदा करब। ए देखिए दीदी ऐसन छेदा करब। ए देखिए अच्छा ठीक हो। अच्छा तो इके काल छेदा करत हन त इके छेदा कर के और ऐसन छेदा कर लेब और ये धागा में कर के और देखिए बांस ऐसे कर में टांग देब इके। ए देखी इखो स्नेहे छेदा करब। हाँ तो ठीक है। ए देखी इकार में तो ये बोतल में छेदा कर दलिए, अब सूता सुई में सूता पार कर के और ये बोतल में घुसा के और टांग देब। अच्छा तब ठीक है। बोतल में तो ये धागा पार करके आ रही के टांगे ले बना दिलिए, अब ढक्कन में ये सुई में सुई सूता पार करके और इके घुसा देब। ए देखिए ढक्कन में सूता पार कर दिलिए, अब ये जगह काट देब। ए देखिए यहाँ ऐसा गांठ बांध देब ताकि पानी गांठ नहीं बांध रहब तो पानी हड़हड़ाई के नहीं चु जाते से लेकर में बूंद बूंद चुते। अच्छा ठीक तब। ए देखिए और ढक्कन मन में स्नेहे छेदा ये पार कर देब सूता के और ऐसा काट काट के स्नेहे गांठ बांध लेहे जाब। अच्छा ठीक है तब। ए देखिन तो ये सूता पार करके दवा थियो और ढक्कन में ये बोतल में ढक्कन लगाते जा। हाँ तो ठीक हम लगा देते जाती। सब सामान तो तैयार हो गए, लाए तब चलो ओते जाए के यार गाड़ब। अच्छा चलो तब। ए देखिन दीदी जते जते ये पौधा हो ने तथे तथे गाड़ब। अच्छा ठीक हो।
खुटा तो आप गड़ाई गेलो, अब ये बोतल लाइन के और यहाँ बांधबे। अच्छा ठीक है तो। ए देखिए अभी के बांधबे दीदी ऐसा। हाँ तो ठीक है। ऐसा ए देखे दीदी टांग ही हो ठीक हो। हाँ ठीक है हो बाइन दी। टाइट करके बांध ले जा, नहीं तो पानी हुआ दे भी तो नहीं गिरता हो। थोड़ा टाइट करके बांधी। हाँ तो ठीक हो। ए देखिन दीदी ये सूता लंबा हो नहीं, इके इतना ये पौधा तक ले काटबे जैसे कि ये जड़े में पानी जाते तैसन। ये देखिए इतना दूर काट देबे। अच्छा तब ठीक। ए देखिन सबके वो काट देबे। अच्छा ठीक है तब। ए देखिन दीदी सब बंधाए गेलो, अब ई सब में पानी डालबे। अच्छा ठीक है तब। सब में पानी है इसने टिप टिप सही में चूताओ दीदी। हाँ तो ऐसने है चूता। ए देखिन दीदी ये पानी हो ना 1 मिनट में 1 बूंद गिरता। हाँ तो ठीक हो। हाँ दीदी जात हो चूहे लायक हो हिया पानी टिपिक टिपिक। हिया और कुछ हो करे पड़तोन। नहीं अब हो गेलो। अच्छा ठीक तब। अच्छा तब ये हो गेलो। तो जैसन कहत रही कि पानी का ये जरूरत है तो पानी नहीं आवत है, तो देखिए ऐसा विधि करबे तो पानी कर मतलब कम खर्चा है तो, और बूंद बूंद कर के और हुआ पौधा ये जड़ में जाता हो तो हुआ नमी बनल रहता हो, तो अब इसने करबे। हाँ तब ठीक है। अच्छा ये पौधा बड़का हो जाता नहीं तो इकर में मचान बांधबे, और मचान बांध के ये लतर के चढ़ाबे होले फसल अच्छा है तो। अच्छा ठीक तब। अच्छा तब ठीक हो हम जात ही हो। अच्छा ठीक हो लाए तब जात ही हो। जोहार। तो जोहार। समझौता ना करने वाले बिंदु। बोतल से सिंचाई करने के लिए बोतल, धागा, बांस, साबल और रस्सी की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले बोतल के निचली परत को काट कर बोतल के ढक्कन में एक छेद कर लें एवं उस छेद में धागा डालकर गांठ बांध लें। बांस को पौधे के सामने गाड़ें और उसमें बोतल को बांधकर पानी भर दें और ढक्कन में लगे धागे को जड़ तक रख कर काट दें। बोतल में धागा को इस तरह टाइट करें कि 1 मिनट में एक ही बूंद पानी गिरे। सप्ताह में एक बार ढक्कन को साफ करें एवं पानी के साथ जीवामृत मिलाकर पौधे को पोषण दें। हमार बटे से सब देखे वाले इनके जोहार। अच्छा तो ही ने खन देखला कि बोतल के सहायता से कैसे पानी पटेलहन और जड़ में ये नमी बनल रहन। अच्छा सच में जग से अगर पानी पटाबे तो ऊ वाला पानी भी बर्बाद होते और जल्दी सूख भी जाते। एखन तो ही देखला ये विधि के अपनाबा होले हमीन के आसानी होते और पौधा के पानी मिलते रहते। बोतल से सिंचाई कर सब्जी की खेती करने के फायदे। पौधे को नियमित रूप से पानी मिलते रहता है। पौधे के जड़ में नमी बनी रहती है। हमें बार बार पानी पटाना नहीं पड़ता है। इससे हमारे पौधे सूखते नहीं हैं। पानी के अभाव में लत्तर वाली सब्जियों के लिए बोतल सिंचाई
अति उत्तम है। से ले ई विधि के जरूर से जरूर अपनाबा और धन्यवाद और हमर धन्य से जोहार।